प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर हजारों प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवाओं ने माउस के इस्तेमाल से दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। अमेरिकी भारतीयों को देश में बड़े निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मोदी ने पीआईओ और अमेरिकी व्यवसायियों को वीजा नियमों में बड़ी राहत का आश्वासन दिया। हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। मोदी ने कहा कि देश की तीन सबसे बड़ी पूंजी लोकतंत्र, युवा और मांग है, और इसी के सहारे देश 21वीं सदी में बड़ी भूमिका निभाएगा। लिहाजा मोदी का कहना है कि इन तीन ताकत के दम पर भारत पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तीन ऐसी चीजें हैं आज जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उद्देश्य को क्या चाहिए। तीसरी बात डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है कि 21वीं सदी, कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 से अधिक एनआरआई को संबोधित करते हुए मोदी ने कुछ अहम बातें कही। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ के लिए विकास एक जन आंदोलन बनना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत सबसे नौजवान देश है, यहाँ 65% युवा है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। एक ऐसा अद्भुत मिलन है, एक ऐसा अद्भुत संयोग पैदा हुआ है। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। साथ ही कहा कि अब भारत पूरी तरह बदल रहा है। रेड टेप की जगह मौजूदा सरकार रेड कारपेट की व्यवस्था कर रही है। स्वच्छ भारत हमारा अभियान है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम स्वच्छ भारत उन्हें समर्पित करें, यही हमारा प्रण होना चाहिए। गंगा सफाई अभियान पर मोदी ने मेडिसन स्क्वायर में आए अमेरिकन और प्रवासी भारतीयों से मदद की अपील की। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत माँ को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मेडिसिन गार्डन में मोदी मैजिक को देखकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा। लेकिन मोदी ने पूरे भाषण में अप्रवासी भारतीयों को पीआईओ छूट देकर काफी राहत दी है। में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।